साल से है, सब सुविधा है यहाँ पे खाने का है। चेन्नई से दिल्ली पहुंचकर मैंने रात्रि विश्राम के लिए दिल्ली में न रुककर हरिद्वार में ही रुकना बेहतर समझा, क्योंकि दिल्ली से गोपेश्वर की दूरी एक दिन में कवर करना बहुत ही मुश्किल था। दूसरा, सुबह हरिद्वार से गोपेश्वर तक चलने वाली डायरेक्ट बस आपको शाम होते होते गोपेश्वर पहुंचा देती है। हर बार की तरह इस बार भी मेरे दोस्त आकाश ने आखिरी वक्त में आकर रुद्रनाथ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, जिस कारण मुझे अकेले ही यात्रा के लिए निकलना पड़ा। हरिद्वार से आखिरी 9 बजे की बस में बैठकर मैंने अपनी यात्रा आरंभ करी। हरिद्वार से गोपेश्वर तक के पूरे रास्ते में शायद ही मैंने माँ गंगा को अपने से दूर पाया हो। रुद्रनाथ की यात्रा गोपेश्वर के एक छोटे से गांव सगर से स्टार्ट होती है, जो गोपेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोपेश्वर पहुंचते पहुंचते मुझे लगभग शाम के 6 बज चुके थे, जिस कारण मुझे वहां पर कोई भी शेयरिंग टैक्सी वाला नहीं मिला जो सगर तक जाता हो। अब या तो मुझे गोपेश्वर में ही रुकना था और अगले दिन सागर पहुंचकर अपनी यात्रा आरंभ करनी थी, या रात्रि में ही सागर पहुंचकर अगले दिन सुबह सुबह अपनी यात्रा आरंभ करनी थी। पर मेरे प्लान के अनुसार मुझे आज ही सागर पहुंचना था, जिस कारण मैंने टैक्सी बुक करके सागर पहुंचने का फैसला किया। टैक्सी ड्राइवर से काफ़ी नेगोशिएशन के बाद वह मुझे सागर गाँव ले जाने के लिए राजी हो गया। रात में यहाँ आने के कारण मैं इस गांव और इसके आसपास के इलाके की खूबसूरती को नहीं देख पाया था, लेकिन सुबह काफ़ी देर तक मैं इस गांव और इसके आसपास की खूबसूरती को देखता रहा। मैंने अपनी यात्रा सुबह 8 बजे स्टार्ट करी, लेकिन सागर में मुझे पता चला कि ज़्यादातर यात्री सुबह 6 बजे ही रुद्रनाथ दर्शन के लिए निकल चुके हैं। कुछ ऊंचाई पर पहुंचने पर मुझे सागर विलेज साफ दिखाई दे रहा था।
बारिश के मौसम में पहाड़ और बादल आपस में लुक्का छिपी का खेल खेलते रहते हैं। घास ले झिंगोर, बारिश से खराब नहीं हो गया वैसे अभी? नहीं, जब बारिश पड़ रही तो आजकल तो डेली बारिश पड़ रही है ना, तो क्या मतलब खराब तो नहीं हो रहा हूँ? नहीं, वो तो अंदर है। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? अच्छा, हाँ अकेला। पहाड़ों में धारा से आते पानी के आगे बिसलरी और आरो का पानी तो मानो फीका ही है। रुद्रनाथ पहुंचने के तीन रास्ते हैं, जिनमें से ज़्यादातर यात्री सागर विलेज से ही अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। लगभग 1 किलोमीटर ट्रैक करने पर ही मुझे यह पता चल गया कि आखिर इस ट्रैक को पंच केदारों में सबसे टफेस्ट ट्रैक क्यों कहा जाता है। रुद्रनाथ यहाँ से 16 और है। क्या 16? और जो मेन मतलब वो कल की नीचे 10 किलोमीटर वो वहाँ पे चढ़ाई खत्म है, 16 किलोमीटर और चढ़ना है आपने? चढ़ना है मतलब सीढ़ी चढ़ाई कहाँ खत्म हो गई है? सीढ़ी जब आप कैलाश पर्वत पे जाएंगे तो सीढ़ी तो मिलेगी मिलेगी, नहीं तो कैलाश कैसे जाएंगे? नहीं, किसी ने बताई थी 10 किलोमीटर सीढ़ी खड़ाई है फिर थोड़ा सीधा है? नहीं, पनार के बाद अप डाउन सीधा भी है। अच्छा, इतनी चढ़ाई नहीं है जितनी आप चल रहे हैं। ये चढ़ाई का कितनी दूर तक है? अभी 8 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी है आपने। 10 किलो मान के चलो, और 10 किलो इन्होंने ड्रोन उड़ाया था वहाँ फंस गया था, तो फिर कैसे गए हुए? फिर अपने आप गई भाई, उन्होंने पता नहीं क्या मोबाइल से पता नहीं क्या सिग्नल मिलता ना उनका। अच्छा, गूगल लोकेशन तो गए कैसे होंगे वे मतलब? तब अब उसी सारे गए हो, जबकि अनजान लोग थे वो, फिर भी लेके आए हो ड्रोन, पेड़ में अटक रखा था ना ऊपर। अच्छा अच्छा, गिराए पर उन्होंने पेड़ तब नीचे गिरा, मारना पड़ेगा ना बाहर का आदमी भी सतर्क है। ये 40 लोगों का ग्रुप पता नहीं कहाँ रहा, ये लग रहा है शायद। मैं सोच रहा हूँ कहीं पनार ना पहुँच जाए, तो पनार से नीचे पहुँचेंगे। अच्छा, कुछ पनार पहुँचेंगे, कुछ कहीं रहेंगे, 20-40 आदमी का जत्था है वो। बोल तो रहा था इनमें से एक की मतलब टेंट वेंट ला रखा है। नहीं टेंट नहीं, टेंट ऊपर लगा रखे ना, वहीं व्यवस्था कर रखी उन्होंने। अच्छा, वहीं रह जाएंगे वहाँ।
ये कंपनी की तरफ से आ रखे हैं। अच्छा कंपनी से है ये? हाँ। कौन सी कंपनी है ये? पता नहीं, दिल्ली में बोल रहे, दिल्ली से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सब कंपनी में काम करने वाले हैं। हाँ। टाइम के साथ साथ टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं ना, जैसे टूरिस्ट तो अगर ये बीमारी नहीं होती ना, हाँ, तो यहाँ पर सती नहीं मिलती है इस रोड में ना, क्यों ट्रैक वाले ज्यादा आते हैं। हाँ। अब गाड़ी से तो रोज सफर करें आप। हाँ। लेकिन ट्रैक ऐसी चीज है, आदमी को घर बैठे बैठे जो है चलने में जरा शरीर ठीक रहता है, इसलिए ट्रैक में चलते लोग ज्यादा ना। हाँ। और अब तो मौसम भी कैसा हो गया, मतलब अभी अक्टूबर लग गया, मतलब अभी तक बारिश पड़ रही है, सारी फसल खराब कर दिया इसने। हाँ। तो मौसम इतना बढ़िया होता है इस साल। तो ये क्या झंगोर है क्या? ये झंगोर है। अच्छा। ये झंगोर है, नीचे वो जो खेत में कट रखा है ये सब धान कट गए। अच्छा। फिर मंडुआ भी है। हाँ। मंडुआ भी कटने लग गया है। मंडुआ कोदा? मंडुआ हाँ, कोदो। अच्छा। आप लोग कहाँ से हो? ना मैं टिहरी बैठी। अच्छा, टिहरी टिहरी कटवा। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मेरे को 10 साल हो गया। अच्छा। 10 साल से है, मैं सब सुविधा है यहाँ पे, खाने का है, रहने का भी है। अच्छा। रहने का यहाँ पीछे से जाना है। हुँ। और वहाँ अच्छा दिखता है। नहीं हाँ, बढ़िया। तो ये है रसोई यहाँ पे, और रुकने का पीछे है। हाँ, रुकने का पीछे है, पीछे भी देख लो, पीछे भी देख लो। अच्छा, रुकने का ये है जी। तो आप यहाँ आ सकते हो, रुक सकते हो यहाँ पे, ये रुकने का है चंद्रकोटी। ये देखो नीचे आने वाले भी आ गए। कल कितने बजे गए थे? मैं तो जाता हूँ 7:30 8 बजे। बढ़िया रहता है, सही है जूस वूस पीने में, सबसे लाभदायक चीज है, आदमी पिएगा तो निकलेगा चढ़ते हुए। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो हर सुबह यह नज़ारा देखते हैं। लगभग 11 बजे मैं पुंगबुग्याल पहुंच गया। चारों ओर अल्पाइन पेड़ों के बीच बसे पुंगबुग्याल की खूबसूरती ने तो मानो मेरी सारी थकान को ही छूमंतर कर दिया था।